नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन है ऋषि सुनक। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने हैं। ऋषि सुनक ने टोरी लीडरशिप चुनाव में पेनी मोरडॉन्ट को मात देकर जीत हासिल की है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक सबसे पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। ऋषि सुनक ने टोरी लीडरशिप चुनाव में पेनी मोरडॉन्ट को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन था, जबकि समर्थन के मामले में पेनी काफी पीछे रह गई, जिसके बाद पेनी ने अपना नाम वापस ले लिया और ऋषि सुनक के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। तो कौन है भारतीय मूल के ऋषि सुनक? ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। ऋषि के पिता डॉक्टर और माँ एक दवाखाना चलाती थी। ऋषि सुनक तीन भाई बहन है जिसमें वे सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक के दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जबकि ऋषि सुनक के पिता का जन्म केन्या तो उनकी माँ का जन्म तंजानिया में हुआ था। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से की। ऑक्सफर्ड में ऋषि सुनक ने फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ा। इसके बाद ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड में एमबीए भी किया। इस दौरान वह यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक ने गोल्डमैन सैच के साथ काम किया और बाद में हेज फंड फर्म्स के पार्टनर बन गए। करियर की शुरुआती दिनों में जब ऋषि राजनीति में नहीं आए थे, तब उन्होंने एक अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी की खासियत थी कि यह ब्रिटेन में छोटे स्तर के कारोबारों में निवेश के लिए काफी सहायक थी। तो ऋषि सुनक की राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? यूके के सबसे अमीर सांसदों में शामिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साल 2015 में पहली बार यूके की संसद में पहुंचे थे। ऋषि सुनक ने यॉर्कशायर में रिचमंड से जीत हासिल की थी। ऋषि सुनक ब्रेग्जिट का समर्थन करने वाले नेताओं में से एक थे, जिस वजह से राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ता रहा। ऋषि सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री टेरिजा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर का पद भी संभाला है। इसके बाद साल 2019 में बोरिस सरकार में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें अमीर ससुराल होने की वजह से भी निशाने पर लिया जाता है। दरअसल ऋषि सुनक की शादी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई है। दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड में एमबीए कोर्स के दौरान हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। ऋषि और अक्षता के दो बेटियां भी हैं, जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का है। कोरोना काल में खूब मशहूर हुए थे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक बोरिस सरकार में काफी लोकप्रिय मंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी सरकार की कोई प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो अक्सर वे भी चेहरे के तौर पर नजर आते थे। कोरोना काल में यूके के आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे भी ऋषि सुनक की तारीफ की जाती है। ऋषि की मेहनत का नतीजा था कि कोरोना काल में भी सभी वर्ग के लोग उनके कामकाज से पूरी तरह खुश थे। कोरोना काल में ही ऋषि सुनक की नीतियों की वजह से लोगों की मजदूरी नहीं घटी, जिसका फायदा भी काफी लोगों को पहुंचा और ऋषि और ज्यादा लोगों के चहेते बन गए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ऋषि सुनक से जुड़ी हुई, जो कि अभी यूके के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।